हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो हम आज बात करने वाले एक स्टॉक से जिसका नाम है BCG ग्रुप के नाम से हम जानते हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। यह शेयर लगभग 2-2.5% यहाँ पर ऊपर है और मुझे यहाँ से पर लगता है कि कल से यहाँ पर अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट वाला स्टॉक्स है। क्या पसंद इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में आ रहा है जो मैं आपको इस स्टॉक से रिलेटिव वीडियो बना के दे रहा हूँ? ओके, और ड्यूरिंग द मार्केट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये स्टॉक्स एक बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर नजर आता है। अगर कोई यहाँ से लेता है तो मुझे लगता है कि किसी को भी रिग्रेट नहीं होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को यहाँ से लेने में। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन के ऑन। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बेल आइकन को हिट नहीं करते, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट हमारे सब्सक्राइब नहीं करके जाते, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाए दोनों चैनल को, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे और हमारा हौसला बढ़ा रहे। बाकी वीडियोज हम यहाँ पर डालते रहते हैं और हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए किस पे, ट्विटर पे। ट्विटर पे देखिए आज के दिन ही दिखाता हूँ पॉलीमेट ब्रेकआउट हुआ नहीं था उसके पहले बताया, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए। अगर मैं आपको पॉलीमेट का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ ओके, तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन ये शेयर क्या भागता हुआ नजर आया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बताया था अच्छा खासा भागा। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको रैलीज तो ये निकल गया था, रैलीज से रिलेटेड बात नहीं करूंगा ओके। BCG का मैंने बिल्कुल ही नीचे था तभी डाल दिया था, 2% हुआ भी नहीं था ओके। डेल्टा कॉर्प मैंने डाल रखा है। इसके अलावा एमटार देखिए क्या भागता हुआ नजर आ रहा है अच्छा खासा। GM फॉडलर ओके, कितने दिनों से मैं GM फॉडलर बताता आ रहा हूँ आपको। ईक्लर्क्स ओके, अच्छा खासा भाग रहा है। एमई ऑर्गेनिक देखो मॉर्निंग में कुछ भी नहीं था एमई ऑर्गेनिक, और अभी एमई ऑर्गेनिक में अगर मैं दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि एमई ऑर्गेनिक ने यहाँ पर लगभग 6-7% का यहाँ पर जंप दिखा दिया। तो इसी तरीके से स्टॉक्स में डालता रहता हूँ, यहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए। और हमारा एक बैच शुरू हो रहा है जहाँ पर हम बहुत बेहतरीन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड शिक्षाएं देने वाले हैं, बारीकियां सिखाने वाले हैं, और इसमें आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप यहाँ पर लाइक मी, जैसे मैंने यहाँ पर पहले ही पकड़ लिया और पहले ही ट्रेड ले लिया, तो चाहे तो इंट्राडे भी कर सकता था बट मुझे इंट्राडे वगैरह करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यहाँ पर स्विंग करने में दिलचस्पी है क्योंकि स्विंग करूंगा तो अच्छा खासा पैसा बनता है और रिस्क ना के बराबर रहता है। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, इन नंबरों पे कॉलिंग का कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप ओके। यहाँ पर आप हमसे कोर्स की डिटेल्स ले लीजिए, कोर्स की डिटेल अगर आपको भा जाए तो आप हमें हमारे इस कोर्स को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं नो डाउट। बट यहाँ पर एक बार कोर्स जब ज्वाइन करेंगे तो बिलीव मी आप इसे आपको मार्केट में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए मार्केट तो सिखाते ही रहता है बट यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी, ना फंडामेंटल तरीके से ना किसी तरीके से। आपको सब ऐसी स्ट्रेटजीज ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि एक अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है ना वो भी अगर उस चीज को फॉलो कर ले तो अच्छा खासा पैसा बनाएगा। 6 मंथ का हैंड होल्डिंग है, बेसिक टेक्निकल स्टॉक पिकिंग सब चीज यहाँ पर सिखाई जाएगी। डिफरेंस बताया जाएगा क्यों अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए या फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे। BCG ग्रुप 2010 में यहाँ पर एक कंपनी आई थी और ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी यहाँ पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज है और मोस्टली इनका जो काम है एडटेक एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। और याद रखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है ओके, नई नई चीजें आती हुई दिखाई दे रही है, अब सबको एडवर्टाइजमेंट करानी है, सबको डिजिटली आना है, डिजिटली मार्केटिंग करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक ग्रुप है, एक पर्टिकुलर शेयर है जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर नजर आता है। तो इसकी तरफ हमें क्या करना है, ध्यान देना है। थ्रू इट्स वेरियस सब्सिडी द कंपनी ओन्स द प्रोडक्ट फॉलोइंग प्रोडक्ट, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहे तो एक बार इनकी वेबसाइट को विजिट करिए, वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। और इनकी आप चाहे तो यहाँ पर ये जून की PPT है, एक बार इसे पढ़ लीजिए, फाइनेंशियल ईयर्स की एनुअल रिपोर्ट है इसे पढ़ लीजिए, तो आपको और भी बहुत सारी चीजें पता चलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर देखिए कंपनी के जो क्लाइंट है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे बड़े बड़े क्लाइंट है। इंडिया डोमेस्टिक क्लाइंट्स अलग है ओके, फॉरेन के क्लाइंट्स यहाँ पर इनके अलग है। तो कंपनी काफी अच्छा यहाँ पर अलग अलग क्लाइंट्स को यहाँ पर कैटर करती हुई नजर आती है। और इस शेयर को लेने के पीछे की वजह क्या है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखिए, मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, डेट फ्री शेयर है
31 का इंडस्ट्री का पीई है, इसको 7 का पीई है, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये शेयर कहाँ लगता नजर आता सस्ता, और आरओसी 29% के आसपास का है, ये सबसे बेहतरीन चीज है। प्लेजिंग की बात करें, 4% के शेयर ही प्लेज है, ना के बराबर प्लेज है, तो इसे यहाँ पर देख मत देखिए। इसके अलावा ये शेयर का हाई कितना था, 123, शेयर कितने पे चल रहा है, 41, तो यहाँ पर अभी ये शेयर लगभग 1/3 नीचे चलता हुआ नजर आ रहा है, 50% से ज्यादा की गिरावट नजर आती है, 60-70% गिर चुका है, और इतना गिरने के बाद शेयर मुझे नहीं लगता और ज्यादा गिरेगा। इंट्रेंसिक वैल्यू 64 की है, इधर से इधर भी जाता है तो आपके पैसे 50% यहाँ पर बन गए। ओके, तो 50% का रिटर्न तो यही हो गया, फेस वैल्यू 2 की यहाँ पर नजर आती है। ओके, एज वेल एज प्रॉफिट का जो वेरिएबल है पिछले 5 साल में 16% के हिसाब से, यहाँ पर सेल्स देखेंगे 15% के हिसाब से, और फ्री कैश फ्लो की बात करें लगभग 81 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, ये शेयर देखिए इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है, बट यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिख रही है कि ये शेयर जब भी ऊपर जाने के बाद गिरा है तो एक बेहतरीन कमबैक किया है, जब भी गिरा है एक बेहतरीन कमबैक किया है, जब भी गिरा है फिर कमबैक किया है, गिरा है कमबैक किया है, गिरा है कमबैक किया है, गिरा है फिर यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन, फिर कमबैक किया है और फिर दोबारा गिरता हुआ नजर आ रहा है, और जब यहाँ पर ये कमबैक करेगा तो यहाँ पर याद रखिए रिटर्न क्या मिलने वाले हैं, आप खुद देख सकते हैं कि 1 रुपए वाला स्टॉक 24 रुपए का हो गया। ओके, और ऐसे 41 रुपए वाला स्टॉक दोबारा अगर यहाँ तक भी चले जाता है 120 रुपए तक, तो आपके लगभग 200% के यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं, तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। इसके अलावा बात करें सेल्स की, तो लगातार सेल्स बढ़ रही है, यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर तो नहीं कहूंगा बट यहाँ पर दिसंबर को छोड़ दी जाए तो उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स है, और स्टिल यहाँ पर देखिए दिसंबर में यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट था। ओके, इसके बाद यहाँ पर देखिए इस बार का प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे बेहतरीन, क्वार्टरली बेसिस पे बेहतरीन प्रॉफिट है। मार्जिन देखिए 31% का मार्जिन है जो कि अच्छा खासा मार्जिन है। कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखिए वो अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई देता है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। कंपनी का ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी का यहाँ देखिए ईयरली परफॉर्मेंस लगातार बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस, कंपनी 467 करोड़ से 6000 करोड़ पे पहुंच गई है, और शेयर का प्राइस क्या चल रहा है केवल और केवल 40 रुपए। यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट 50 करोड़ से 1000 करोड़, तो यहाँ पर चीजें भागेंगी नहीं तो क्या होगा आप खुद सोचिए। यहाँ पर देखिए रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं, 5-6 हजार करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। बोरिंग ना के बराबर, कंपनी का यहाँ पर देखिए 82 करोड़ का वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे लगा रखे हैं, 536 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश देखिए कंपनी का 745 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। इसके बाद बोनसेस, कंपनी दो बार 2021-2022 में दो बार बोनस दे चुकी है। ओके, लगातार बैक टू बैक, और कंपनी यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है, और डिविडेंड का रेशो देखिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और दोबारा जिस तरीके का यहाँ पर इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए ये बताता है कि कंपनी दोबारा बोनस कभी भी दोबारा अनाउंस कर सकती है, और एक बार स्प्लिट भी होना है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है, एक नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई देता है। नो डाउट इसमें से भी 4% के शेयर, इस टोटल के 4% के शेयर 18 में से मत काउंट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 14% रह गया, नहीं ऐसे नहीं, जो शेयर है टोटल उसका 4% यहाँ पर इनका प्लेज है। ओके, इसे छोड़ दीजिए, बट यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 से 13 और 14% की होल्डिंग यहाँ पर होती हुई नजर आई है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर देखिए घटती हुई नजर आ रही है, पहले बढ़ती हुई नजर आ रही थी अब लगातार घट रही है, 77 से 75, 75 से 69, 69 से 67, और यहाँ पर देखिए कुछ बड़े नाम भी यहाँ पर आपको शामिल होते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, शंकर शर्मा 1.24% के शेयर इन्होंने ले रखे है, और ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप ने यहाँ पर शेयर चुपचाप लेके डाल रखे है, वेट कर रहे हैं। ओके, ये शेयर जिस दिन भागना शुरू किया बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम BCG, तो BCG का देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम आए है ना बेहतरीन वॉल्यूम है, और अभी भी आज भी लगभग 70 लाख शेयर का यहाँ पर वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दिया है, तब जब शेयर केवल और केवल 2% ऊपर है। ओके, शेयर यहाँ से गिरने नहीं वाला। ओके, शेयर अच्छा खासा यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन क्या बता रही है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर शेयर चल रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है मतलब यहाँ पर शेयर में अच्छी खासी बाइंग आ रही है, और नीचे से यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ही शेयर चल रहा है, तो गिरावट नाम की चीज नहीं है। और फिर भी अगर शेयर गिरता है तो मैं मैक्सिमम मानता हूँ कि 41 रुपए वाला शेयर मैक्सिमम गिरावट देख लेता हूँ, 28 रुपए पे आ जाएगा। ओके, आपका पैसा लगभग 30-40% यहाँ से गिर जाएगा ये समझ के चलिए,
बट मुझे लगता नहीं है 30% 40% गिर जाएगा। एक आध सपोर्ट पहले भी यहाँ पर नजर आते हैं, ओके 38 रुपए का बेहतरीन, ओके 34 रुपए का उसके बाद, तो 6 रुपए का यहाँ पर डाउन साइड रिस्क है। और अपसाइड देखिए, सबसे पहला टारगेट देखिए, यहाँ पर 40 लगभग 50% के रिटर्न ये बन रहे हैं, ओके इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा रिटर्न 69 के ये बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका टारगेट की अगर हम बात करें, जो कि राउंडिंग बॉटम भी बनता हुआ नजर आ रहा है 66% के रिटर्न। और इसके बाद चीजें यहाँ रुकने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी अगर शेयर जाता है तो 200% की आपके रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं, राउंडिंग बॉटम है। चीजें देखिए, जब गिरी थी तो क्या हो रहा था, यहाँ पर लोज लगाते हुए नजर आ रहा था, चीजें लगातार गिर रही थी, देखिए लगातार ऊपर, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि चीजें लगातार नीचे नहीं आती, ऊपर भी जाती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर आती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर आती है, इस तरीके से चल रहा था। बट अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अब देखिए हायर लोज लगते हुए नजर आ रहा है ये, ओके फिर इसके बाद इसने यहाँ पर लो बनाया, फिर इसके बाद इसने यहाँ पर लो बनाया है, अब यहाँ पर चीजें और भागेगी, फिर यहाँ लो, यहाँ के आसपास लो बनाएगा, फिर चीजें भागेगी और धीरे धीरे करके चीजें इस तरीके से करके ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो इस चीज को आपको समझना, और ये जो वॉल्यूम है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये वॉल्यूम जो आ रहे है बेहतरीन वॉल्यूम आ रहे है, ये वॉल्यूम जब आए थे ना तब यहाँ पर शेयर किस तरीके से यहाँ भागा था वो आप देख सकते हैं। अब दोबारा आ रहा है, जब इस तरीके से भागेगा तो कुछ दिन लगेंगे और अपर सर्किट में शेयर जाएगा, इस चीज को याद रखिए। क्यों? क्योंकि लोअर सर्किट में चीजें नीचे आई थी। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब जगह से फॉलो कर लीजिए, बाकी हमारे बैच में एनरोल कर लीजिए। बिलीव मी, इससे बेहतरीन बैच यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में आज तक इतनी कम फीस में नहीं दिया है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।